ए टू जैड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा फिलहाल बैठे हाँ भाई, 9 महीनों तो 2 दिन उपर हो गए, 10वां महीना शुरू हो गया। खेड़ा खाप के जो प्रधान है पहलवान सतवीर बरसोला जी अपने साथ बैठे, और जब भी इस आंदोलन में 26 तारीख आवे तो कुछ न कुछ एक नया जोश नई ऊर्जा किसानों में जरूर आवे है। धरना पर एक अलग तरीके की बात जरूर मिला है हर महीने की 26 तारीख ने, कुछ न कुछ नया जो प्रण कह लो, कुछ न कुछ नई बात किसाना जगरा जरूर चल रहा है। तो प्रधान जी राम राम। राम राम भाई सुन। तो 10वां महीना शुरू हो गया, यानी दूसरा दिन है 10वां महीने का। तो इब की बार के कुछ के नया होया है, देसी भाषा में अपने न्यू भी बात चल रही थी भाई, बोले 10 महीने में तो महेश भी ब्याजे है, 10वां शुरू हो गया तो इस भी नम कुछ आसार है। तो के कुछ नया चल रहा है इब की बार भाई? आपने जिक्र किया 26 तारीख, यह 26 तारीख हमारा याद रहेगी पूरी दुनिया के। इसमें तो हमने तिरंगा झंडा लहराया है, हमारी खटखट टोल प्लाजा से 5 मीटर तिरंगा हाथ में, और ये तिरंगा मार्च था झंडा, हाँ 15 अगस्त को तिरंगा मार्च था ये झंडा, तो हमने उड़े से लाया किसान का। लेकिन हमने ये सरकार को ये दिखाया था कि भाई जो 26 तारीख की घटना घटी थी दिल्ली में लाल किले पर, के भाई वो उसमें सरकार की कारगुजारिश मिली हमने, रास्ते भटका दिए, कहीं जाना था कहीं कड़ियाँ पुसा दिए कड़ियाँ, तो हमें बदनाम हो गए थे। 15 अगस्त को हमने वो तिरंगा यात्रा काटी कि भाई सरकार को हम ये दिखा कि तिरंगा के हम हैं और तिरंगा मारा है, तेरे तिरंगा सूट नहीं कर रहा। इसलिए 15 अगस्त को हमने एक शांतिपूर्वक सरकार को ये दिखाना था कि इतने ट्रैक्टर, इतने आदमी, इतनी महिला, युवा, बच्चे यहाँ से चले रही, यहीं ट्रैक्टर आ गए थे, यहीं से आखिरी ट्रैक्टर चला था, इतने ट्रैक्टर थे, कहीं भी शहर में गए हमारा स्वागत होया फूल मालाओं से, फूलों से, पानी से, चाय से, एक वो ठंडा ठंडा हुआ है महंगा पीड़ा पीड़ा वो हमारे पीने को मिला, हमारा इतना स्वागत होया, उसमें प्रशासन ने भी साथ दिया हमारा, इसी बात नहीं। एक लाइन खाली कर दी थी एनवे बोलो उसने खाली करके हमारे को पूरा, हमने ये सरकार को ये दिखाया था जे 26 जनवरी को सरकार हमारे से धोखा नहीं करती, तो इसी तरह हमारा वो मार्च होता, इसलिए हमने इब की बार जो कल 26 अगस्त थी 9 महीने पूरे, तो कोई नई बात, कोई नया प्रण धरने की तरफ या कोई नहीं, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करी हो भाई आज 26 तारीख है, तो कुछ ना कुछ नया देखने में ना 26। हमने सरकार को आगाह कराया 26 तारीख को, आज 27 होगी, हाँ 26 को हमने काली पट्टी बांध के और ये विरोध कराया भाई 9 महीने पूरे हो गए आज, तेरी आँख खुली है नहीं खुली है थी 9 महीने में, तो हमारा पशु महेश डांगर भी तो मतलब अपना बच्चा पैदा कर देता है, लेकिन तेरी आँख कब खुलेंगी? तुम तो एक बार का एक कॉल दूर हूँ, फिर एक दोष और ला दिया हमारा है, किसी भाई ने बेरा है, किसी ने नहीं बेरा है, कि किसान आंधे को नहीं, किसान तैयार बैठे हैं कुइयाँ बुला ले, हाँ मीटिंग खातर है भाई, हमारा दोष क्यों लाओ है तुम? तेरे में हिम्मत को नहीं किसान बुलाने की, प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं, गृह मंत्री में हिम्मत नहीं, कृषि मंत्री में हिम्मत नहीं, तो हमारे को बुलाए के तो देख है, तो आधा कॉल कर दे, आधा कॉल में भी हमने मिस कॉल मार दे, हम देख लेंगे किसकी आई, हम टोल लेंगे इतना, और जगह बता दे, टाइम बता दे, हम तो तैयार बैठे हैं, हमें समझौते के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की कारगुजारी से पंचायत में कंडीशन नहीं होती, बोला वो तो समझौता होएगा नहीं, फिर भाई तेरी चाह पीने खतर को नहीं आंदे हमें, 9 महीने हमने कुर्बानी दे रखी है, 600 आदमी खोए बैठे हैं, और हजारों महामारी में, और एक और मुख्यमंत्री का बयान बता दूं सदन में कह है कि ऑक्सीजन की वजह से कोई आदमी नहीं मरे, भले आदमी तन ऑक्सीजन का प्रबंध कह गया, हमारे मरे आदमी ऑक्सीजन की वजह से हैं, लेकिन हमारी पावर कोई नहीं, तने ये बता दें आगे बतावांगे डटा देंगे, तने ऑक्सीजन से कितने आदमी, हजारों आदमी मरे हैं, किल्लत तो है ऑक्सीजन की, हैं किल्लत में लिए हाहाकार मायत्री थी, लोगों ने पता नहीं था भाई यू हाल भी हो, तड़प तड़प के मरे रहे माँ बाप बच्चे, रोड पर मरे, हॉस्पिटल में मरे, घर में मरे, ये मान ले कई हजार का ऑक्सीजन सिलेंडर आओ भाई, कोई नहीं खरीदने का ब्योत किसी का,
मनसे दे दिए हमने तो फिर हमारा 30-40 हज़ार का ब्लैक में हमने खरीदने का हमारा ब्योंत नहीं, हमने तो जैनी दे दी अपनी और कह है क्या कहा मुख्यमंत्री मेरे यार कोई संभाल नहीं कोई नहीं। यूके है ये पेपर लीक हो गया क्या तो हो गया भाई क्या तो बैठे है तो किस लिए बैठे मुख्यमंत्री बना तेरा पेपर लीक हो गया तेरी सिक्योरिटी लीक होगी तड़कन पाकिस्तान चढ़ जाएगा हमारा सर चाइना चढ़ जाएगी तेरे पास सिक्योरिटी होनी चाहिए पेपर लीक कैसे हाँ जान बूझ के पेपर लीक कर करोड़ों में बिके हैं लाखों में बिके हैं पेपर और हमारे जो युवा हैं पूछ उन तक जाएगी एक चीज़ और होगी नहीं कुछ कैंडिडेट इसे थे कुछ स्टूडेंट इसे थे जिनकी डेट चली गई पुलिस की जो एक तारीख हो वह कहूँ हूँ किसी का एक भी न रह रहे था किसी दो किसी के छः भी नहीं रह रहे थे अगला कद कई भर्ती काटेंगे उनके तो मैं तो गए को लाखों को बेचारे इसे भी देखे जो किराया मैं इनके लेके देकर हाथ उगाड़ नहीं था किराया उन्हें दिया फार्म उनके खरीदे टेम उनका खराब होया मनोबल उनका टूटा जो बच्चे भी न कही एज रह रही थी अंडर एज बोला इन्हें लास्ट भर्ती थी लास्ट भर्ती थी लास्ट फार्म था वह तो रो है बेचारे युवा अरे एक और बताऊँ सेना की भर्ती भी रद्द कर दी सेना में भी हाल है हमारे युवाओं का किसी का एक भी न रह रहे किसी दो रह रहे हैं और सेना के तो रोल कर रहे हैं लेकिन सेना भी मेरे ख्याल में या भूल कर सेना ने भर्ती रद्द क्यों करी हम तो यह भी पूछा हाँ हमारी सेना के अफसरों से बात हुई बोला ये सरकार का ऑर्डर नहीं कल सारे सरकार के ऑर्डर ना मांगो मानो सरकार तो मुंद मुमारगी देश ने मार दिया सारा ही तो बेच दिया लेकिन सेना की बेचने की तैयारी है इसकी सेना में लेकिन अफसर तकड़े हैं जवान तकड़े हैं देख नहीं देख सेना एक सेना रह रही और तो बंदर का कितने नाम लिया और तो स्टेडियम भी भेज दिए जरा बाल खेल है मेरे यार स्कूला तो मतलब एक नहीं खुद सब एक बात और है भाई देखो इसी बात तो है नहीं भाई कड़िया ने कड़िया कड़िया को लूपे छिपे 5-7 हज़ार आदमी बैठे हूँ देखो लाखों लोग जो हैं किसान मजदूर बॉर्डर पे बैठे हैं टिकरी बॉर्डर हो सिंगू गाजीपुर बॉर्डर हो हर टोल बंद है हरियाणा के अंदर जब मतलब लाखों की टोटल कम से कम ज़्यादा नहीं 15-20 लाख तो आज रोड पे हैं लोग हाँ। फिर भी मतलब प्रधानमंत्री का थोड़ा सा भी ये क्यों नहीं है कि भाई तो देश का राजा है भाई चलो ये कानून सही है हाँ। कम से कम तो जनता तो रूबरू ले जो मन की बात टी वी पर शनिवार रविवार हाँ। वो करें तो एक बार किसान का मन की भी बात वो कानूना ने लेकर क्यों नहीं करते चलो शाम ही नहीं आ सकते तो किसाना को उस पर ले लो या ऑनलाइन मतलब वीडियो कॉलिंग के जरिए ऐसे कर लो एक बार पूछो तो सही भाई ये गलत है आप अपनी तरफ से सही बता दो मोदी साहब हाँ। भाई इनमें ये सही है आप नहीं पता लग जाएगा गलत के है सही के तो मतलब प्रधानमंत्री की इतनी थोड़ी सी भी नहीं होनी कि तेरा देश की जनता आज रोड पर है कि सारे मतलब दूसरे देश के ही नो भी नहीं होगी दसवां भी ना लाग गया इसका यू भ्रम है इस हमारा प्रधानमंत्री का जो आंगनबाड़ी ठा दी मास्टर ठा दिए पटवारी ठा दिए बच्चे ठा दिए भाई इन्हें भी किसानों ने भी ठा देता हूँ लेकिन प्रधानमंत्री जी ने न्यू कौन बेरा ये भी है किसान मजदूर छत्तीस बिरादरी का भाईचारा इकट्ठा हो गया इन्हें क्यों कठाई देगा ठाने की कोशिश करी है इन्हें लठ मारे हैं ये जो ये हमारे नेता हैं इनकी वजह से हमारा लठ मारे हैं लेकिन उठने मुश्किल हैं भाई क्योंकि एक प्रकार तो ये लगा लो चाहे कानून किसे भी हैं न्यू तो होना चाहिए बट तेरे देश की जनता है रोड पे बैठी किस कुकरे भी करके इसका ठाण का समाधान दो कर कुछ तो ऐसा कर जिससे ये मतलब अपना घर चले जाओ क्योंकि बहुत सारे की जान भी गई है इसका आप देसी भाषा में घमंड बोला अंग्रेजी में प्राउड बोला ईगो हाँ प्राउड तो गर्व हो गया गर्व हो गया ईगो घमंड घमंड है ईगो इसका इतना बड़ा घमंड हो गया इस प्रधानमंत्री हमारा देश का के तेरे को ना शामी बोलनी ना तेरे को खुश करनी किसी ने तबलकी बताया कि कोरोना लाओ था किसी ने जे एन यू बताया कि लाओ था साइन बाग ला के बताओ था हमने सारा बेरा है हम इतने सियाने हो गए नौ महीने में हम इनका खाया पिया बता दें सरकार वाले का ये हमारे किसान नज़दीक हैं किसान हम किसान क्यों किसान है तो आज ही नहीं किसान है ये भाई देख भाई ये भाई इतनी झूठी धरती भाई इनने बोली है नहीं कद कलयुग चल रहा है कलयुग इन्हें सिद्ध कर दिया भाई वाकई में आज कलयुग में झूठ चला है गुंडागर्दी चला है
बलात्कार चला है, झूठ चला है, या इस सरकार ने ये सिद्ध कर दिया कलयुग में किमें करो ओए पास, और करके दिखा दिया। लेकिन ये किसान मजदूर हैं भाई, जिसके सस्सर एक किसान हमारे शहीद हो गए हैं, जिसके मर रहे हैं। और ये मन की बात कहे नहीं, मन की बात इन्हें हमारा मन की बात करने मेरे भाई मांग मांग रहे तीन काले काने उल्टे ले MFC पर गारंटी दे, मांग रहे मान कट गया तेरे मन की बात है। मारा मन की बात आ ली तेरे तक है, पूछा है दिया हमने हमने बोला उनका मन की रहेगी तो किसान का प्रति उनका मन में तो कि मैं और पाप से कि मैं मतलब पाप का घड़ा भरया है, घमंड का घड़ा भरया है। रावण 6 शास्त्र 4 वेदों का पढ़ाया था, इस धरती पर सबसे ज्यादा विद्वान था, गुणवान था, लेकिन घमंड ले बैठे उसने। इस समाज में जिसने घमंड कराया है वो कड़के तान मारे है, जो समाज के नीचे झुके रहा है, समाज में समाज को समाज समझे है, बड़ा छोटा समझे है, वो ऊपर बढ़े है। और जो समाज तो जी उतर गया नहीं, ये भी इसका भारत का इसका जी उतर गया, जी उतर गया तो मुंद मुँह मारेगा भारत, आधा तो मर गया मुंद मुँह, आधा बंगाल में मार दिया कि मैं यूपी में मार देंगे, मुंद मुँह गया। और तीन काले कानून हम उल्टे लेंगे, MFC पर गारंटी लेंगे भाई। हमें न्यू कहना है जो हमारी लाश दास का हमें पसानेट दे, वो मन की बात कर गई उसकी, या तो पूछ लो उससे पूछ लो तो हमें गादी भाई राम मन की बात कर लिखो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद फौज साहब। एक और फौज साहब अपने फौज साहब राम राम। हाँ जी राम राम। तो प्रधानमंत्री साहब की बात है भाई, प्रधानमंत्री साहब किसी भी तरीके का न्यू एक बार भी आग नहीं आए, उनका मुँह तो बात नहीं सुनी भाई। 15-20 लाख लोग जो हैं कम से कम आराम दे इतने बैठे, इन्हें किस तरीके का उठाया जाओ, जबरदस्ती नहीं भाई, कुछ तो ऐसा काम करो जिस तरह अपने घर चले जाओ, क्यों नहीं मतलब आ गए। ऐसा है सोनू दलाल, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। ये प्रधानमंत्री की जो लॉबी है, जो उसके सर्वे हैं, उसमें उसको भ्रमित किया जा रहा है कि अभी भी आपकी लॉबी में 75% जनसंख्या आपके साथ है, ये उसको पूरा विश्वास दिया जा रहा है। और मानने में किसान ना माने और मोदी भी ना माने प्रधानमंत्री, लेकिन वो आंकड़ों के हिसाब से अपने आप में आज भी प्रधानमंत्री मजबूत मानता है। लेकिन किसानों की आवाज़ मीडिया, जो बड़ी मीडिया मोदी मीडिया है, उसने कभी उसको पेश नहीं किया। मोदी को जीन जिले में जब 5,000 ट्रैक्टरों की रिहर्सल थी किसान यात्रा की, किसी भी बड़े चैनल ने उसको दिखाया नहीं, उसको छोटा दिखाया। अब मोदी को तो भरम है कि तेरे पास तो बहुत बड़ी लॉबी है, किसान तो मुट्ठी भर है, ये उसको पक्का विश्वास ही नहीं, पक्का भरोसा, क्योंकि मीडिया ही दिखाते और मीडिया ही, और जिताया किसने? मीडिया ने। भ्रमित किसी ने किया? मीडिया ने। अंडानी अंबानी को किसने ऊपर किया? कॉरपोरेट को किसी किया? मीडिया ने। मीडिया ने मोदी जी को हमारे से बातचीत करने के लिए भी मीडिया ने ही दूर रखा, मीडिया ने भी उनको, बड़े चैनलों ने, जो बिके हुए चैनल हैं, जब 5,000 संख्या में यात्रा होती है, उन किसानों की मार्च यात्रा नहीं दिखाई गई। छोटे चैनलों ने बेचारे ने जोर लगाया, लेकिन उनको ये वहाँ तक नहीं पहुँच सका कि मोदी जी आप ही आँख खोल लिए कि किसानों का मार्च देख लीजिए। लेकिन उसको अंधेरे में रखा जा रहा है, और अंधेरे में नहीं, वो अपने आप को सच मान रहा है, इसलिए किसानों को वो कुछ बात नहीं कर सकता। जैसे अब आगे कह रहे थे आप कि अगला कदम क्या है 10वें महीने का, जब आप 5 तारीख देखोगे, ये इतिहास में एक वो दिन होगा मोदी के लिए भी और किसानों के लिए भी निर्णायक दिन होगा। सोनू दलाल जी, मैं आपको बताता हूँ, उस दिन हिसार से टोल और टोल से कैथल और पानीपत तक जब आप व्हीकलों की लाइनें लाखों में देखोगे ना, और जब किसान चलेगा, क्योंकि ये संयुक्त मोर्चा पूरे इंडिया का आह्वान है, न कि कोई किसी एक विशेष का आह्वान। इस आह्वान से ये पता लग जाएगा, मोदी की मीडिया बताने पे मजबूर हो जाएगी कि किसान भी जाग चुके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फौज साहब। राम 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 राम। प्रधानमंत्री जी यही बात चल रही है, वो बात नहीं करना
क्यों नहीं कर रहे इस पाप की के प्रति? प्रधानमंत्री की चली नहीं रही, अडानी अंबानी की चल रही है। ऐसा चमचा और बेईमान जो के लुटेरा और ब्लैक मनी, ऐसा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। जो के एक गरीब किसान बेचारा देश का पेट भर रहा है, आज उसको एक रोड़ों पर बिठा रखा है, तो इसे अहंकारी राजा वो बोलते नहीं, ये अहंकारी जहाँ अन्यायी हो राजा वहाँ जी के क्या करना है। अभी हम भी इतना अन्यायी राजा हमने कभी देखा नहीं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्हें कही है। बहुत देखो, एक चीज़ ज़रूर है भाई, भले ही मतलब लोग आरोप लगाओ भाई, कोई कह रहे हैं सारे कांग्रेसी हैं, कोई कह रहे हैं सारे ही नलों के हैं, ये अपनी अपनी सोच हो, अपने अपने विचार हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो लोग खेतों में काम करें, अगर वो मैंने टोल पर धरने पर बॉर्डर पर सारे बैठे देखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये एक अपने एक पर्सनल सिस्टम हो भाई, कौन किस तरह जुड़ रहा है, कोई ना कोई आदमी किसी न किसी तो जरूर जुड़ रहा है, लेकिन ये नहीं है कि भाई केवल पार्टी के लोग हैं, किसान मजदूर ही हैं जो रोड पर बैठे हैं। क्योंकि आम आदमी जो खेती नहीं करता उसके बस की बात नहीं है भाई, वो धूप में 3 घंटे बैठ सके, लेकिन जो आदमी पिछले 270 दिन तक रोड के ऊपर बैठे हैं, जिसने बारिश उसके ऊपर गिरी है, गर्मी गिरी है, सर्दी पड़ी है, ठंड पड़ी है, लाठी पड़ी है, सरकार की पानी की बहुत छार पड़ी है, वो ओट सके तो एक किसान मजदूर का ही ऐसा उनका रनी फौलाद है, उसका गात में फौलाद भर रखी है भाई, उनका ये शरीर है जो इतनी मतलब सब कुछ होते हुए भी उस जगह पर बैठे हैं। ये एक आम आदमी नहीं बैठ सकता जो खेती नहीं करता हो, क्योंकि खेती करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। तो भाई रियल में एक चिंता का विषय है, देश का प्रधानमंत्री ये जो 90-90 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, राजनीतिक सोच इनकी नहीं है, जो 90 साल का बुजुर्ग है, जो 10-10 साल के बालक बैठे हैं, 15-15 साल के, जिनका वोट भी नहीं है, तो उन आप कैसे राजनीतिक बोल सको जिसका वोट ही नहीं है। तो एक चिंता का विषय है कि देश का जो राजा है, देश का जो प्रधानमंत्री है, उसने सोचना चाहिए भाई ये उठो या ना उठो, कम से कम आगे जरूर आना चाहिए और न्यू बात जरूर करनी चाहिए भाई, तम के चाहो और मैं तुमने के दे रहा हूँ, कम से कम बातचीत करेंगे जब सोल्यूशन लिखेगा। तो बड़ी बात है भाई, क्यों देश का प्रधानमंत्री आज चुप है, क्यों 9 महीने तो बोल नहीं रहा? क्योंकि 5 साल का कार्यकाल हो, 1 साल करीब होने का है, तो 20% 18% तो कार्यकाल आंदोलन में निकल गया, तो बोलना चाहिए। आपकी इन बातों में राय के, आपका विचार के, सोच के, प्रतिक्रिया के, एक सभ्य कमेंट के जरिए आपने ज़रूर बोलना है, और भाई प्रतिक्रिया आपने ज़रूर देनी है, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दियो। अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जिसकी जैसी सोच थी उसने मुझे वैसा पहचाना। जय जवान, जय किसान।